मुजफ्फर भाई भी हैं यहाँ पे। डर ज़्यादा लग रहा है यार, ये जंगल जो है ना बहुत ज़्यादा डर लगता है इसमें। बर्फ जो हमने हटा लिया, थोड़ी सी थोड़ी और हटानी है तो लकड़ी भी काटनी है, तो अंधेरा भी हो गया, डर भी लग रहा है यार बाहर, यहाँ पे कोई नहीं रहता है, तो पूरा जंगली जंगल है यहाँ पे। बट आग हमारी ऐसी जलते रहेगी थोड़ी देर तक, तो चाय और चिकन लेके, फ्राई चिकन, तो मजा आएगा यार। हाय हाय, बर्फ गिर गई यार इसमें। तो हेलो गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसी है हमारी यूट्यूब फैमिली? बढ़िया ही होगी, काफ़ी देर के बाद एक नए वीडियो की शुरुआत करते हैं आज। तो गाइस, आज हम लोग जा रहे हैं नाइट कैंपिंग फॉरेस्ट एरिया में करने के लिए, तो बहुत मज़ा आने वाला है। हमारे घर पे जो है स्नो नहीं गिरी काफ़ी देर से, हम लोग चार बंदे आए हैं यहाँ पे कैंपिंग के लिए, तो बाकी भाई लोग जो है आगे चला गए, मैं यहाँ से वीडियो शूट करने लगा। व्यू जो है ना बैक साइड बहुत अच्छा है, और बर्फ़ भी हमें दिखने लग गई है यहाँ पे हल्की हल्की, बाकी ऊपर जाते ही ज़्यादा ज़्यादा बर्फ़ आएगी। रात को रुकने वाले हैं हम यहीं पर, तो देखते हैं ज़रा क्या होगा आज रात को, डर काफ़ी लग रहा है। तो बाकी तो लेट्स गो, चलते हैं यहाँ से, काफ़ी लेट हो गया, हम तो घर से ही लेट हो गए थे सुबह से ना, बारिश ने निकलने नहीं दिया घर से, वरना दिन में ना बहुत मज़ा आ जाता। तो हम वहाँ ऊपर में मेरे को आवाज़ लगा रहा है कि जल्दी आ जाओ, लेट हो रहा है, तो मैं भी निकलता हूँ। लग गया बर्फ़ से ना, भर गया पूरा एरिया, तो गाइस हाथ भी ठंडे हो रहे हैं, तो निकलते आगे, देखते कैसा मज़ा आएगा ऊपर। अंधेरा भी होने लगा, अब जंगल भी बहुत ज़्यादा आने लग जाएगा, कि जंगल में जहाँ ज़्यादा डर लगता है। बर्फ़ भी आई यार थोड़ा सा, खाएंगे काफ़ी देर, 2 साल के बाद। वाह कितनी ठंडी है यार, आह हा, खा ही नहीं जा रहे हैं, हमें मिल गए हैं, ये भी चढ़ रहे हैं धीरे धीरे, बट बर्फ़ जो है ना यहाँ पे, वहाँ पहले नीचे से ज़्यादा है। तो वसीम भाई फर्स्ट में, सेकंड जावेद भाई, उसके बाद इरफान भाई। अभी हम ना कुछ ऐसे जंगल में चल रहे हैं, यहाँ पे डर ज़्यादा लग रहा है यार, ये जंगल जो है ना बहुत ज़्यादा डर लगता है इसमें। ऊपर से ठंड, हाथ जो ना ठंडे हो चुके, और मेरे को ये लग रहा है फ़ोन अभी गिर जाएगा मेरे हाथ से, तो बर्फ़ बहुत ज़्यादा है, मुश्किल हो रही चलना। गाइस मेरे हाथ जो है काफ़ी ठंडे हो गए, अभी हम थोड़ा सा लोकेशन पे पहुंचने के बाद, हम लोग पहुंचे अपनी लोकेशन पे जहां हमने रुकना था। तो रात को रुकने वाले हैं हम इस घर में, और बाकी थोड़ा आगे पीछे भी जाएंगे घूमने के लिए, और देखते हैं अभी ऊपर चढ़ेंगे, पहुंचा नहीं हूं मैं यहां पे ना, बर्फ़ ज़्यादा ही है। तो भाई लोग जो हैं, ये वसीम ने लाइट जला ली, सफाई चल रही है अंदर से, ओहो, तो मज़ा ही आएगा यहाँ पे रखने का रात को इस बर्फ़ में। हम लोग पहुँचे अपनी लोकेशन पे, तो जावेद भाई बैग से कुछ सामान निकाल रहे हैं, वसीम भाई ने अभी आग जलाई, बाकी हम लोग जो हैं चार बंदे यहाँ पे चलते हैं। गेट खोलने के बाद बाहर का व्यू, अभी भी हल्की हल्की रोशनी है, बट बर्फ़ बहुत ज़्यादा यहाँ पे। हेलो दोस्तों, तो ये हमारे पास लकड़ी काटने के लिए है, और ये जो है बर्फ़ उठाने के लिए, तो हम लोग थोड़ी सी पीछे से बर्फ़ हटाएंगे, उसके बाद जो है हम इससे लकड़ी काटेंगे और लकड़ी बनाएंगे और आग जलाएंगे, उससे जो है थोड़ा सा हमें बहुत गर्मी मिलेगी, काफ़ी ठंड है यहाँ पे। तो हम लोग अभी सबसे पहले बर्फ़ हटाएंगे, उसके बाद लकड़ी काटेंगे। तो गाइस डर भी लग रहा है उधर से, कोई शेर वेर ना रह जाए मेरे को। इस बर्फ़ जो है हमने हटा लिए, थोड़ी सी थोड़ी और हटानी है, तो लकड़ी भी काटनी है, तो अंधेरा भी हो गया, डर भी लग रहा है यार बाहर, यहाँ पे कोई नहीं रहता है, तो पूरा जंगल ही जंगल है यहाँ पे। क्या करिए, तो गाइस देखो अभी हम लकड़ी काट रहे हैं यहाँ पे, बट बर्फ से पूरी गिली है, जलेगी या नहीं जलेगी वो देखेंगे बाद में, बट तो कटने में इससे आसानी बहुत ज्यादा हो रही है। सर्दी बहुत है, तो यहाँ पे ठंड जो है ना काफ़ी ज़्यादा है, देखो
हाथों की हालत क्या हुई, थोड़ी सी और काटेंगे कि रात को सर्दी ना। तो फाइनली गाइस हम लोगों ने जो है आग जलाने के लिए जुगाड़ कर दिया। सबसे पहले बर्फ हटाई, उसके बाद ये बनाया। तो अभी बाहर ना पूरा अंधेरा हो गया, एकदम डर लग रहा है। तो यहाँ से ना कुछ आवाज़ भी आ रही है नीचे से, पता नहीं क्या हो सकता। आगे जाएंगे हम, एक तो लीपर्ड हो सकता है, लीपर्ड वार कर सकता है, दूसरा जो मैन है चुड़ैल। तो ये बर्फ एरिया में चुड़ैल ज़्यादा रहती है। तो ये जावेद भाई है, छुप छुप के देख रहा है, डर रहा है। तो थोड़ी देर में हम इसको आग देने वाले हैं। तो हमने तैयार करके रखा है, थोड़ी थोड़ी बर्फ़ जो है ना इससे उतर जाएगी। तो चलते हैं अंदर भाई लोगों के पास। भाई लोग क्या कर रहे हैं अंदर में, बर्फ बहुत ज़्यादा यार। हमारे शेफ तो यहाँ पे कुछ सामान, चिकन, दो टमाटर वगैरह, प्याज, मूंगफली। तो ये भाई लोग आग जलाई है, पतीले चढ़ चुके हैं और ये बाहर नहीं जा रहे, बोल रहे दरवाजा बंद कर दो, इतना डर लग रहा है इन लोगों को। बाहर में ही तो मजे हैं। देखो देखो यार हाथों की हालत क्या होगी, तो पूरे हाथ खराब हो गए यार लकड़ी बनाते बनाते। अभी जो है खाना तैयार हो गया, बस चावल का वेट कर रहे हैं। वसीम भाई जो है चावल बना रहे हैं और इरफान भाई ने चिकन बनाया। चिकन कुछ इस टाइप का बना हुआ है। अभी जावेद भाई थोड़ा टेस्ट करेंगे कैसा है। गर्म है बहुत ज्यादा, हाँ जल गया। अच्छा है, जबरदस्त। पानी गर्म गर्म पानी पीना है। हम लोग जो है अभी खाना खाने लग गए, तो खाना बन चुका है। ओह अरे बाबू, तो हमारी धीरे धीरे आग भी जल रही है। ऊपर तो देखने नहीं आ रहा, डर लग रहा है, एकदम बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। ठंड जो है ना बहुत ज़्यादा यार, यहाँ पे -3 चल रहा है अभी यहाँ पे। तो आवाज़ भी कुछ आ रही है यार, डर लग रहा है। बाकी अंदर वाले तो बाहर नहीं निकल रहे, देखना कैसे चिपक गए सारे लोग अंदर में, ये डरपोक है। साथ में चाय भी बन रही है यहाँ पे। भाई जो वहां से रील्स भी बना रहे हैं, आग भी अच्छे से जल के बहुत मजा आया यार, कसम से इतनी ज्यादा बर्फ में मजा आ रहा है यार। तो आग भी काफी मुश्किल से जलाई। हम लोग जो है अंदर बैठेंगे, काफी गर्म हो गया और ठंड भी बाहर बहुत ज़्यादा, हाथों की हालत देखा क्या होगी। तो अभी हम लोग जो है चाय वाय पियेंगे, तो उसके बाद देखते हैं सो जाएंगे। तो उस मौसम भी ख़राब हो चुका है, हम चलेंगे अंदर सीधा ही भाइयों के पास। हेलो भाई लोग, तो चाय बन चुकी है, अभी हम लोग जो है चाय पियेंगे वहीं पे। पावर बैंक को इसको बड़ा टाइम निकलता है इसमें। तो ये हो गया अपना दरवाजा लॉक, तो चलेंगे चाय की तरफ। आई चाय चाय, तो यहाँ भी चूल्हे की तरफ आग जल रही है। तो इस तरह हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम लुंद। क्योंकि बर्फ जो है रात को बहुत ज्यादा गिरी है और अभी भी बर्फ गिर रही है। तो अभी टाइम हो रहा है 7:30, हम लोग जो है 4 से 4:30 के बीच में जा गए थे, बट बाहर नहीं निकल रहे थे क्योंकि बाहर में यार बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। तो अभी बर्फ़ जो है बहुत ज़्यादा हो गई है, देखो पेड़ों पे भी दिख रही है आपको। बट रात को जहाँ पे हमने आग जलाई थी ना, तो आप वो देख सकते हो, वो है ही नहीं कहीं भी, यहाँ पे है ही नहीं। तो अभी भी हल्की बहुत बारीक बर्फ़ गिर रही है। तो ये जो है फ्रेश स्नोफॉल रात में ही हुआ। अभी मैं कोशिश करूँगा ऊपर वाले रूम में जाने के लिए, बट ओहो पैर ठंडे हो गए यार, पैरों में बर्फ जा रही है। तो ये ऊपर से जो नई बर्फ गिरी रात को, देखो कितना गिरा है। तो हम लोग सोने के लिए इस रूम में भी आ सकते थे, बट यहाँ में ठंडी बहुत ज़्यादा थी। तो हम लोग जो है
नीचे किचन में ही सो गए। बाकी देखो गाइस अभी तो बर्फ फॉस लग गई। देखो ये वसीम भाई बर्फ ले जा रहे अंदर पानी बनाने के लिए यहाँ से। तो एक पतीली पहले भी ली थी, एक गिलास पानी निकला था, अभी फिर से ले लिया। तो बर्फ जो है ज्यादा ज्यादा ही लग गई यार, हम लोग कहीं बंद ना हो जाए। ये बर्फ जो है हमारे घर तक गिरे नीचे, बट हम लोग क्या करें, हम लोग कल आ गए थे ऊपर में। तो क्या खूबसूरत लग रही है यार। हा 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 हा, इस पेड़ पे भी देखो, मजा आएगा ना, मजा आ गया यार रात को। और बर्फ भी अभी बहुत ज्यादा ज्यादा ही गिर रही है, अभी तो मोटी बर्फ देखो। आ हा 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 हा, मजा आ गया यार। तो हेलो गाइस, जैसा कि हम लोग रात को यहाँ पे रुक गए थे, तो शाम को बर्फ जो है बहुत ज्यादा कम थी, तो मैंने मॉर्निंग में आपको दिखाई बर्फ कितनी गिर गई है। बाकी अभी हम लोग जो है ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रहे हैं, तो ब्रेकफास्ट बनाने के बाद खाने के बाद देखते हैं क्या होगा। बाकी हम चलते हैं, इरफान भाई जो है ब्रेकफास्ट बना रहे हैं, तो चलते हैं अंदर। बाहर से बर्फ़ भी बहुत ज़्यादा ज़्यादा ही होने लग गई है। जैसा कि गाइस हम लोग आए हैं किचन में, तो अभी यहाँ पे चाय बन चुकी है और यहाँ पे जो बर्फ़ हम पिघला रहे हैं उसके पानी की ज़रूरत पड़ेगी हमें। और यहाँ पे जो चिकन फ्राई हो रहा है ब्रेकफास्ट के लिए, अभी ब्रेकफास्ट करते हैं उसके बाद आपको मिलेंगे। बाहर से बर्फ़ भी बहुत ज़्यादा ज़्यादा ही गिर रही है यार, तो घर जाना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा इस बर्फ़ में। तो गाइस मिलते हैं अभी हम ब्रेकफास्ट के टाइम में, तब तक ले बाय बाय। तो गाइस जैसा कि आप देख रहे होंगे, अभी मैं इस छत के ऊपर जा रहा हूँ ऊपर में, अपनी चाय और चिकन लेके, फ्राई चिकन, तो मज़ा आएगा यार। हाय हाय, बर्फ़ गिर गई यार इसमें, इधर से मुश्किल जाना है बहुत। इसको पहले रखते हैं, फिर हम यहाँ से कूद के जाएंगे। तो बर्फ़ देखो यार, आए हाय, दिया आ गया अपना चिकन और चाय ब्रेकफास्ट में। तो यहाँ किसी ने मेरा नाम लिख दिया है और यहाँ पे साथ में चाय और चिकन आया। हा हा हा, हाथ तो ठंडे हो गए। बाकी बर्फ जो है रुकने का नाम नहीं ले रही है। ओह, मज़ा भी आ रहा है बहुत ज़्यादा, तो हाथ भी ठंडे हो रहे यार। हा हा हा, तो चलो गाइस सबसे पहले मैं चिकन और चाय लेता हूँ, उसके बाद। ब्रेकफास्ट हो चुका है, तो अभी हम जा रहे हैं फोटोशूट के लिए। बर्फ जो है बहुत ज़्यादा जम चुकी है, बहुत ज़्यादा जमा हो गई। ये देखो भाई, हाय 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 हाय। तो ये बर्फ़ जो है ना सूखी है यार, ये देखो, थोड़ा शूज़ जो है जल्दी गीला नहीं होगा। हा हा हा, देखो भाई साहब, लोकेशन चेक करो यहाँ की, ये देखो, हाय हाय। तो हमारे कैमरामैन भीग चुके हैं। हमारी कैंपिंग जो है ख़त्म हो गई, अब हम लोग जा रहे हैं घर। तो टाइम जो अभी 11 हो गए, बर्फ़ जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो गई है, इसलिए हम लोग जा रहे हैं अभी जल्दी घर, वरना बर्फ़ में फंस जाएंगे यहाँ पे, फिर हमें कोई निकालने वाला नहीं होगा। तो सारे भाई लोग तैयार हो गए, तो अभी बस की तैयारी कर रहे हैं। तो जावेद भाई लॉक लगा रहा है इधर। तो हमने जो शूज़ के ऊपर कुछ इस टाइप के लिफाफे लगाए हैं प्लास्टिक, तो ये इरफान भाई, वसीम और जावेद रुक रहे हैं अभी। बर्फ देखो, बर्फ बहुत ज़्यादा है। आई हाय, पहला दाब लग गया मुझे, पहला दाब, बिस्मिल्लाह। ये देखो, आय हाय हाय हाय, कोई और गिरने वाला है क्या? तो पोजे इन पे रखू और नहीं यार। तो मैंने जो प्लास्टिक लगाए थे इनसे पैर ज़्यादा स्लिप हो रहा है। ओ यार कैसे जाएंगे हम नीचे, फंस गए आज, फंस गए रे। ये हम लोग इनके पीछे पीछे अभी जाएंगे, वो तेरी है। हो हो हो, तो हमारी कैंपिंग यहीं पे ख़त्म। आय हाय हाय,
अभी यहाँ पे जाए ड्रोन होना चाहिए था, मगर मेरा ड्रोन खत्म हो रहा है, मुझे स्लोप बड़ी हो रही है। हाय हा 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 How is the Josh? Josh is high. Oh guys, हमारी हालत देखो क्या होती है। ठंड इतनी है कोई कहने की बात नहीं, बर्फ रुकने का नाम नहीं ले रही। दाब लग लग के कुछ रहा है नहीं। जाम हो गए चारों तरफ से, हाथ जो है गिरने को तैयार हो गए। देखो आवाज तो बहुत ज्यादा, बर्फ होने वाली है, होने क्या हो रही है। तो हम लोग जो है ठंडे हो गए, देखो हालत क्या बन गई, ऊपर से गिर गिर के। बाकी देखते हैं, घर पहुंचते ही आपसे मिलेंगे। बाय बाय। तो फाइनली गाइस हम लोग पहुंचे अपने गांव वापस घर पे। बाकी थोड़ा सा नज़ारा दिखाएंगे आपको गांव का। यहाँ पे भी बर्फ गिरी, बट थोड़ी थोड़ी जो ऊपर बर्फ थी वो यहाँ पे नहीं है। अभी हम आपको थोड़ा सा, ये देखो ठंड से पुराना जाम हो गया है, तो अभी थोड़ा सा गांव के नज़ारा दिखाते हैं। बर्फ़ जो है पूरी एंड तक चला गया है, बट थोड़ी थोड़ी अभी दिखाते हैं थोड़ा सा। ये देखो देखो, ये अपना घर है ये वाला सामने। तो यहाँ पे भी बर्फ़ थोड़ी थोड़ी गिरी है, ये भी नया घर बन गया और ये भी अपना ही घर है। हाय हाय हाय, ये देखो हम लोग जो थे ना वो बहुत दूर पे दूरी पे थे, तो कवे भी मज़े ले रहे यार। तो गाइस अभी सीधा ही घर उतरेंगे हम, तो फिर घर जाके देखते हैं कितनी डांट पड़ेगी। हाँ